ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे, फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, साइंस किस तरह की स्टडी है, उसमें फिजिक्स एग्जैक्टली क्या है, इस तरह की थोड़ी बहुत बातें हम लोगों ने की थी। ठीक है, आदि मानव को भी बीच में ले आए थे हम लोग, फिजिक्स तुम भी पढ़ो करके। ठीक है, आप लोग, अच्छा खैर, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स मेरे ख्याल से किसी को नफरत तो नहीं होगी फिजिक्स से, मतलब आप किसी को ऐसा लगता होगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी को लगता होगा चलो ठीक है। ऐसे फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिससे लोगों को डर लगता है, ऐसा बायोलॉजी वगैरह के साथ मेरे ख्याल से होगा, केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री से कितने लोग डरते हैं, मेरे अलावा मैं तो डरता ही हूँ। ठीक है, हम लोग को दिखाई देता है केमिस्ट्री वगैरह, हम लोग दूर भाग जाते हैं, भाई दूर रखो हमसे। ठीक है, बायोलॉजी भी सेम, मैथ्स तो ठीक है, हम लोग का पार्ट ही है। ओके, सो फिजिक्स की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, कोर्स कंटेंट, सबसे पहला चैप्टर, जैसे आप 11th 12th में चीज़ें पढ़ते आए हो, सॉर्ट ऑफ वही पैटर्न चलेगा, उसमें लेवल ऑफ रिगर कम रहेगा, विजुअलाइजेशन कोशिश रहेगी कि ज़्यादा हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है, शुरुआत करते हैं, आप लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है, वैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिक्स थोड़ा फिजिक्स की आप लोग पढ़ते हैं, वो चीज़ मैं एग्जैक्टली नहीं पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलस वगैरह मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, वेक्टर्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। ठीक है, तो एक्स वाई, ठीक है, ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। ठीक है, एक्स इधर, वाई इधर, 2D में है ये चीज़, 3D में इसको, 2D में और 3D में दोनों में ही इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, याद होगा, नाम में ज़्यादा रखा नहीं है, चीज़ समझ में आनी चाहिए चीज़ के साथ। ठीक है, एक्स वाई, वैसे ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो होता है, आर और थीटा के टर्म्स में। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस है, बट एक्स और वाई इस तरीके से कोऑर्डिनेट है, वी और डब्ल्यू, मैं इस तरीके से भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकता हूँ। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटर है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों, उसमें क्या खास बात है, वैसा तो नहीं है, जो काम ये कर सकता है वो काम इसमें भी हो जाएगा हमारा, वो लॉस नहीं है। क्या बोल रहे हैं, फोर इक्वल क्वाड्रेंट्स में चीज़ें डिवाइडेड हैं और यहाँ पे अनइक्वल है वो दिखाई दे रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अनइक्वल क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स है, यहाँ पे इक्वल क्वाड्रेंट्स है, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से इक्वालिटी है सब जगह पे, यहाँ पे वो थोड़ी वायलेटेड है, सिमेट्री एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, मतलब मैं इसको यूज़ करूँ किसी केस में तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत क्यों होगी कंपेयर टू दिस। कोई एक केस ले लेते हैं, ठीक है, क्या केस ले लें, फुटबॉल कौन कौन खेलता है, सॉकर, सॉकर बोलते हैं, फुटबॉल बोलते हैं, यहाँ पे फुटबॉल बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन खेलता है, आपको हाथ उठा रहा था, हाँ आप, ठीक है, डरने कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गेम है, खेला करो। क्रिकेट से केस में बोलोगे तो फिर मैं बोलूँगा अच्छा गेम नहीं है, हालाँकि वो मेरी दिक्कत है। ओके, सो फुटबॉल ग्राउंड है मान लेते हैं, ये ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इसमें कोई प्लेयर फुटबॉल को किक मारता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, चलो ये दीवार मान लेते हैं, बॉर्डर्स को, ठीक है, इस डायरेक्शन में किसी प्लेयर ने बॉल को किक मारी तो किधर जाएगा ये, थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं पे मिलेगा, स्लाइड होता हुआ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में मैं अगर आपसे पूछूँ, ये दीवार थी, इससे शुरू में डिस्टेंस रहा होगा मान लो 10 meters, वो रिड्यूस हो गया होगा 5 meters या 4 meters या ऐसा कुछ हुआ होगा इस दीवार से डिस्टेंस। ये जो दीवार है इससे डिस्टेंस शुरू में था 15 meters, बाद में डिस्टेंस था 15 meters ही, कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने ऐसे डायरेक्शन में मारा जो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो ये हमने देखा है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम अगर हिट करेंगे तो ये चीज़, ये एक तरीके से हमको लग रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन और उसके परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मान लो ये दीवार ऐसी नहीं होती, मान लो दीवार जो है
तो हमने कहा कि भाई एक वर्टिकल दीवार एक हॉरिजॉन्टल दीवार दोनों इंडिपेंडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब वर्टिकल दीवार ना होती, ठीक है, वर्टिकल दीवार ना होती कैसी दीवार होती, आप कहते हैं कि मान लो कुछ ये ऊपर का जो बॉर्डर है वो कुछ इस तरीके से खिंचा होता, ठीक है, आपने किक मारी, ये बॉल यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, एक दीवार वर्टिकल एक दीवार ऐसा, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। अब क्या डिफरेंस आएगा इस प्रोसेस में, आप कहेंगे इसका शुरू में डिस्टेंस यहाँ से 10 मीटर्स था, अब 5 मीटर्स हो गया, पिछले बार जैसा ही हो रहा है। यहाँ से डिस्टेंस कितना था, यहाँ से डिस्टेंस मान लो 5 मीटर्स था, अब वो बढ़ के हो गया कुछ 8 मीटर्स वगैरह कुछ हो गया, ठीक है। तो आप तो ये जो डायरेक्शन है, अगर आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो इस डायरेक्शन में मोशन के लिए आपको दोनों का हिसाब लगाना पड़ता, जबकि जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें आप इजीली बोल पाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में उसका जो कोऑर्डिनेट है चेंज नहीं होगा, इस तरह की बात आप कर सकते हैं, डिस्टेंसेस चेंज नहीं होगा। तो ये एक फ़ायदा है इस सिस्टम का कंपेयर टू दैट सिस्टम। इसमें 3D में क्या होता है, 3D में एक्स वाई जेड होता है, तीनों डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, एक्स वाई जेड तीन डायरेक्शंस है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस रूम का वो कॉर्नर ओरिजिन है, ठीक है, वो कॉर्नर या कौन सा कॉर्नर आपको ऊपर वाला कॉर्नर दिखाई दे रहा है, नीचे वाला कॉर्नर आप इमेजिन कर लीजिए, सबको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो वो कॉर्नर अगर ओरिजिन है तो एक्स वाई और जेड एक्सिस कहाँ कहाँ होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। पर अगर मैं आपसे पूछूं, चलो एक की बात करते हैं, एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, अगर मैं आपसे पूछूं तो, हाँ, सो एक आंसर आया जो कि इंट्यूटिवली आपने देख के बोला कि भाई ये लाइन दिख रही है मेरे को, इसी को एक्स एक्सिस बना देते हैं, ठीक है, गलत आंसर है। एक्स एक्सिस आपके हाथ में है, ओरिजिन कहाँ पे रखना है वो आपके हाथ में, आपने रख, ठीक है, वो मैंने फिक्स कर दिया। अब एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा वो आपके ऊपर है, आप चाहे इस डायरेक्शन में रखें, आप किसी आर्बिट्री तेढ़े डायरेक्शन में रखें, ये आपके पास फ्रीडम है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन आपने फिक्स कर दिया, मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फिक्स नहीं किया हमने, कोई 45 डिग्री वाला जो एंगल है वहाँ से वहाँ पे फिक्स कर दिया, ज़मीन से मान लीजिए, ठीक है। अब वाई का डायरेक्शन क्या होगा, वाई एक्सिस किस डायरेक्शन में होगा, किधर होगा, एक्स के परपेंडिकुलर होगा, तो वर्टिकल होगा ऐसा, कि ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है रूम के बाहर जाता हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रूम में ही वो एक्सिस रहना चाहिए, तो रूम के बाहर ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है। अब अगर एक्स और वाई, अगर ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई का डायरेक्शन, ठीक है, तो जेड का डायरेक्शन क्या होगा, अब हमने फिक्स कर दिया, हवा में ही रखे हैं, अब उसको ब्लैक बोर्ड मिले हैं, एक्स और वाई इस तरीके से है, तो जेड का क्या डायरेक्शन होगा, परपेंडिकुलर होगा ये दोनों के, तो दोनों के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, किस डायरेक्शन में होगा, प्लस जेड, अगर ये प्लस एक्स है ये प्लस वाई है तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, बाहर अंदर कि केवल बाहर होगा या केवल अंदर होगा, हाँ, सो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो आप लोगों ने वेक्टर्स में एक छोटी सी चीज़ पढ़ रखी है, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के, इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक्स और वाई एक्सिस फिक्स कर दिया, शुरू में आपके पास फुल फ्रीडम थी कि अगर आपके पास खाली ओरिजिन है आप एक्स किसी भी डायरेक्शन ले लो, एक बार आपने एक्स ले लिया तो वाई को उसके परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा, थोड़ा फ्रीडम कम हुई, ठीक है। दोनों चीज़ें अगर आपने चूज़ कर ली एक्स और वाई, अब जेड के लिए आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, एक्स क्रॉस वाई जेड का ये आउटर डायरेक्शन ही होगा प्लस जेड का, आप उल्टे डायरेक्शन बना देंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा और कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, 2D की बात करें तो आप कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई, ठीक है। अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आर और थीटा के टर्म्स में जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कैसा होता है, तो कोई भी पॉइंट है अगर आप उसको कार्टेशियन सिस्टम में डिनोट करेंगे तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस मेरे को बता दो, इसको आप रिपोर्ट कर दोगे एक्स, नॉट कर देते हैं फिलहाल, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरे को बता दो, ये हो जाएगा वाई नॉट, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट रिपोर्ट करते हैं, ठीक है।
वेक्टर फॉर्म में इस चीज़ को कहते हैं एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एसेंशियली ये होता है कोई एक ओरिजिन हमने चूज़ किया हुआ होता है, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में जो एक्स डायरेक्शन हमने चूज़ किया है, और ये डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में जो हमने चूज़ किया है। हम कोई और एक्सेस चूज़ कर सकते थे, कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ एक्स नॉट डैश आई कैप प्लस वाई नॉट डैश जे कैप इस तरह का हो सकता था, रिप्रेजेंटेशन की बात है। ठीक है, हमने चूज़ किया एक्सेस, उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, सो पोजीशन वेक्टर आर और थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? तो पोजीशन वेक्टर आर और थीटा के टर्म्स में लिखते नहीं है, जैसे चलिए उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले आर एंड थीटा डिस्क्राइब कर लेते हैं वो होता क्या है। ठीक है, सो जैसे हमने कहा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक्स बता दो वाई बता दो, तो वैसे ही एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या कहते हैं, मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, एक ओरिजिन से इसका डिस्टेंस और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना है। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तब भी आप इस पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही इन्फॉर्मेशन मिले, और ये दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन के बारे में आपको पता है, विथ टाइम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, आज वैसा कोई काम नहीं करें। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई कार्टेशियन में तो हमको समझ में आता है कि इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पोलर में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो पोलर में पोजीशन वेक्टर का ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आप कहने को कर देंगे कि मैं पोलर में इसको ऐसे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ आर नॉट आर कैप प्लस थीटा नॉट थीटा कैप, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, बट क्या चीज़ पोलर में पोजीशन वेक्टर एक यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट वेलोसिटी वेक्टर ये एक यूज़फुल रिप्रेजेंट, चलो ठीक है उसकी बात करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर की, वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी, चलो जैसे मैं आपसे पूछूं इस डस्टर की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। आप जहाँ पे बैठे हैं, आप जिस रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, आपको दिख रही है ये रुका हुआ है, इसका मतलब ज़ीरो है। या फिर आप कह रहे हैं कि आपने जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ किया हुआ है, मान लेते हैं एक्स वाई जेड चूज़ किया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो पोजीशन है फिक्स है, अगर पोजीशन चेंज हो रही होती विथ टाइम तो आप कहते इसमें कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर आप कह देते कि एक्स डायरेक्शन में जो चेंजेस हो रही है उसके हिसाब से वेलोसिटी जो होगा वो आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन में जो चेंजेस होंगी जे कैप प्लस कार्टेशियन में। चीज़ें सिंपल सिंपल है, सीधा सीधा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। पोलर में कैसा होगा ये चीज़, 2D की बात करते हैं, मतलब 2D पोलर की बात करते हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में आप लोगों को बताऊं कि नहीं, बता दूंगा। ओके ठीक है, 2D पोलर में क्या होगा, 2D पोलर में वेलोसिटी कैसी होगी? ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है किसी स्पीड, किस स्पीड से, VR से ये पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, और इसका उस समय पे एंगल जो था वो थीटा था। ठीक है, तो अगर आपको कार्टेशियन में लिखना हो वेलोसिटी तो आप क्या लिखते, आप कहते वी आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वी आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ऐसा आप कार्टेशियन में कहते। पोलर में इस चीज़ को कैसे कहेंगे? तो पोलर में ये चीज़ होती है यूज़फुल थोड़ी, तो आप कह सकते अब ये सिंपली वी आर आर कैप के बराबर है। ठीक है, अगर वो इस सर्कल के अगर बात करें, सीधे सीधे इससे अवे जा रहा है, ओरिजिन से अवे, तो फिर ये सीधा सिर्फ आर कैप आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा, कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में स्पीड वी से जा रहा है, ये एंगल हो गया थीटा।
इस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखोगे? तो इस पार्टिकल के लिए इसकी स्पीड तो v है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा इधर v cos थीटा और एक होगा इस सर्कल के टेंजेंट पे v sin थीटा। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप? अब जो r डायरेक्शन है, जो रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन है सर्कल के, वो डायरेक्शन जो है उसमें वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा। तो हमने v cos थीटा r कैप इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, और एक डायरेक्शन है आर की जगह, और क्या है? थीटा डायरेक्शन है। थीटा डायरेक्शन यानी कि इस सर्कल के टेंजेंट के अलॉन्ग किस स्पीड से मूव कर रहा है। चलो यहाँ पे लिख दूँ मैं थीटा कैप। ठीक है, वी साइन थीटा थीटा कैप, ये वेलोसिटी हो जाएगी आपकी थीटा डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने प्लस या माइनस नहीं लिखा है, इस एग्जांपल को देख के बताएंगे यहाँ प्लस लिखो या माइनस लिखो। जैसे ये वाला एग्जांपल था, इस डायरेक्शन में अगर पार्टिकल भाग रहा था तो मैंने प्लस वी आर आर कैप लिखा था, अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा होता तो मैं क्या कहता? माइनस वी आर आर कैप, इस टाइप से उसका वेलोसिटी वेक्टर लिखता मैं। ठीक है, यहाँ पे जो पार्टिकल था इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स किए, एक आउटवर्ड था इसलिए मैंने लिखा प्लस वी कॉस थीटा आर कैप। बट थीटा डायरेक्शन में क्या हो रहा है विथ टाइम? थीटा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है इस पार्टिकल के लिए? अभी थीटा डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब माइनस आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये जो डिस्टेंस है r, ये अगर रिड्यूस हो रहा है ऐसी स्पीड है तो वो माइनस में आता, यहाँ पे प्लस में आ रहा है। ठीक है, चलो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज, नाम भर का एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अगर सर्कल भी मैं नहीं बनाता, सर्कल भी मैं मिटा देता हूँ। कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में स्पीड v से जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे है आप मान लीजिए अप टू स्केल बना हुआ है डायग्राम। ठीक है, अब बताएंगे कि मैं इसका और इसका एंगल, ये एंगल गिवन है आपको थीटा। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी वेक्टर लिखिए। इसको वी नॉट कह देते हैं तो बेटर रहेगा, वी नॉट, और इसको भी थीटा नॉट कह देते हैं। सो आप कह रहे हैं कि वी नॉट साइन थीटा नॉट, हाँ, आर कैप माइनस वी नॉट कॉस थीटा थीटा कैप, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, और कोई आंसर? और कोई आंसर देना चाहेंगे? माइनस वी नॉट कॉस थीटा आर कैप प्लस v साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, और कोई आंसर? दो अलग अलग आंसर आया है, या तो एक सही होगा या दोनों गलत होंगे, दोनों सही तो ऑब्वियसली नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी फिगर आउट कीजिए, ट्राई कीजिए। v नॉट कॉस थीटा आर कैप थीटा कैप, तो दोनों प्लस हो गया।
ठीक है, यहाँ वी नॉट कॉस प्लस वी नॉट साइन, इस तरीके से एक आंसर आ रहा है। ठीक है, और कोई आंसर? माइनस वी नॉट कॉस थीटा आर कैप, हाँ चलो, तो ठीक ठाक वैरायटीज आ गई है, तो इसका मतलब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हम लोग समझते हैं अच्छे से, वी नॉट कॉस थीटा आर कैप माइनस वी नॉट साइन थीटा थीटा कैप, ठीक है, ये भी एक आंसर आ गया। और कोई आंसर आ रहा है तो बताएंगे? माइनस, हाँ तो एक आंसर आ रहा है माइनस वी नॉट कॉस थीटा थीटा कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा आर कैप। अच्छा, ये तो वही आंसर है इनका आंसर जो था। ठीक है, और कोई वैरायटी आ रही है तो बताएंगे? ओके, ठीक है, सो ये वैरायटी कितने लोगों की आ रही है? दो लोगों की, और किस, और तीन, हाँ ओके ठीक है, तो गलत है, कोई बात नहीं, सीखना है हमको। ठीक है, ये वैरायटी कितने लोगों की आ रही है? माइनस वी नॉट कॉस थीटा आर कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा, ये सही है। ठीक है, ये भी गलत है ऑब्वियसली, ये भी गलत है। ओके, सो कैसे किया? ओके, कोई किसका सही हुआ आप एक्सप्लेन करने कुछ कोई चाहेगा? हाँ, आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? वेलोसिटी का तो भाई पहले हमको दो कंपोनेंट करना है, तो एक कंपोनेंट करेंगे किधर? एक इस डायरेक्शन में करेंगे, जो कि हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा। ये दोनों कंपोनेंट हमारे काम के पहला स्टेप हमने कर लिया। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमको डिसाइड करना है कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, सो आपने कहा कि वी नॉट कॉस थीटा आर कैप माइनस भी आएगा, तो माइनस का क्या रीज़न है, कोई और बता दो? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि भाई ये जो वेलोसिटी है ये ओरिजिन के पास ले जा रहा है, मेरे को पास ले जा रहा है, मतलब माइनस। ठीक है, और फिर वी नॉट साइन थीटा, अब ये जो वेलोसिटी है ये क्या कर रहा है, ये इस थीटा को इंक्रीज करेगा। अगले इंस्टेंट पे आप देखोगे तो ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, अच्छा यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, हाँ चलो इसको देख लेते हैं, शुरू में यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे पहुँच गया। तो इस इंस्टेंट पे आप देखेंगे तो इसका जो थीटा है, जो पहले शायद 30 डिग्री रहा होगा, अब 60 डिग्री हो गया, बढ़ रहा है थीटा, थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, ये घूमते घूमते कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया उसी स्पीड से। ठीक है, और अब ये जो थीटा है ये हो गया थीटा वन, ऐसा कर लिया हमने। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखो,
वी नॉट कॉस थीटा आर कैप प्लस वी नॉट, दोनों में कॉस थीटा आ रहा है। ओके ठीक है, तो आपका आंसर लिख देते हैं फिलहाल। आप कह रहे हैं वी नॉट कॉस थीटा आर कैप प्लस वी नॉट कॉस थीटा, फिर से थीटा कैप, ऐसा बोल रहे हैं? ठीक है ओके, चेक कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप चीज़ें सिली मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी सी। तो एक आंसर आ गया हमारे पास वी नॉट कॉस थीटा आर कैप माइनस वी नॉट साइन थीटा थीटा कैप, एक आंसर ये आ गया। ठीक है हाँ ठीक है, एक और आंसर ले लेते हैं, माइनस वी नॉट कॉस थीटा आर कैप माइनस वी नॉट साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, मतलब थीटा वन के टर्म्स में आपने कैलकुलेट किया है ना, ये जो थीटा आप रिपोर्ट कर रहे हैं थीटा वन है, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ये थीटा नहीं है, इसको हटा देते हैं, चलो रहने देते हैं, थीटा वन लिख देता हूँ मैं सारे में। और कोई आंसर्स आएंगे तो बताएंगे। इन्हीं में से आंसर आ रहा है अभी जिनका आ गया। ओके कॉस थीटा आर कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा थीटा कैप। ठीक है, सो एक माइनस कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन वाले तीन, एक कॉस कॉस वाला आ गया। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस वाला बचा हुआ है कॉम्बिनेशन, किसी का अगर आ रहा हो तो। ओके ठीक है, सो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम आपको गिवन है, बाकी सारी चीज़ों को तो आप भूल जाओ। यहाँ पे क्या चीज़ें दिखाई दे रही है आपको, ये थीटा वन एंगल इस हॉरिजॉन्टल से है जो कि इसके पैरेलल में, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये एंगल कितना होगा? थीटा वन। ठीक है, अब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ये चीज़ अगर आपने पकड़ लिया, ईजिली आप कंपोनेंट्स कर सकते हैं। थीटा वन ये हो गया वी, तो वी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, वी साइन थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसमें से कौन सा प्लस लगाएंगे लिखते समय, कौन सा माइनस लगाएंगे, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन इस केस में ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये जो रेडियल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जिसको हम वी कॉस थीटा के बराबर दे रहे हैं कह रहे हैं, तो ज़रूर ये आर कैप के साथ आएगा, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से इस पार्टिकल के डिस्टेंस को क्या ये बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है मतलब प्लस में आएगा। ठीक है, तो प्लस वी नॉट कॉस थीटा वाला आंसर कौन सा है? ये वाला आंसर है। ठीक है, और कोई आंसर नहीं है। ओके ठीक है, और फिर एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वी साइन थीटा, ये थीटा को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? तो थीटा क्या होता है? थीटा एक्स एक्स साथ जो एंगल है वो होता है, यहाँ पे हमने कोई और एंगल ले रखा है, दैट्स डिफरेंट। तो यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं तो थीटा वन ये लिख रहे हैं, बट जो कैप है आपका वो थीटा कैप है, एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये एंगल विथ टाइम बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो बढ़ रहा है, या ये कंपोनेंट की बात करें, क्योंकि रेडियल तो आपने अलग कर दिया, ये कंपोनेंट आपको दिख रहा है कि अभी एंगल अगर 150 है, थोड़ी देर बाद 160 होगा, 170 होगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब जो सेकेंड टर्म आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो फिलहाल किसी का आंसर ठीक नहीं आया। ओके, और ट्राई करते हैं। हाँ, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये ऐसा क्वाड्रेंट है जो नेगेटिव साइड में आता है, जो इंक्रीज़ है वो, क्योंकि इधर अगर मूव करते हैं तो हम कहते हैं कि नेगेटिव एक्स में हम चीज़ें इंक्रीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपका कंसेप्शन है। ठीक है, बट
ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो वेलोसिटी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को इंक्रीज कर रहा है वो आर कैप में पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है अगले इंस्टेंट पे ज़्यादा होगा इस वेलोसिटी के कारण, इस कारण से वो पॉजिटिव है चाहे कि किसी भी कोऑर्डिनेट में हो। और क्वेश्चन हम एड्रेस करेंगे सिमिलरली, अगर ये थीटा अगले इंस्टेंट पे ज़्यादा होगी तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है थीटा कैप डायरेक्शन में वो पॉजिटिव होगा। और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ बैठ लो। थीटा वन है ये वाला, ठीक है, आपके तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने वर्टिकली अपोजिट वाला फिनोमेना नहीं यूज़ किया, कोई और फिनोमेना यूज़ किया, ठीक है, तो आपके तरीके से पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन था इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है v की स्पीड से, ये एंगल है थीटा वन, ठीक है। अब आप क्या अप्रोच लिए आप बताएंगे, 90 माइनस थीटा क्या चीज़ होगा बोल रहे हैं आप? ये जो डायरेक्शन है कौन सा एंगल को 90 माइनस थीटा बोल रहे हैं? अच्छा आप ये अगर एंगल थीटा है ऐसा कुछ कह रहे हैं, ओके, सो आप कह रहे हैं थीटा है थीटा वन, ये होगा 90 माइनस थीटा वन, ऐसा कुछ बात कह रहे हैं, 90 माइनस थीटा वन ये होगा। फिर थीटा वन इंक्रीज हो रहा है या 90 माइनस थीटा वन इंक्रीज हो रहा है? 90 माइनस थीटा वन इंक्रीज हो रहा है, हाँ, तो उससे थीटा वन डिक्रीज होगा, बिल्कुल थीटा वन डिक्रीज होगा, हाँ। सो थीटा वन विच टाइम क्या हो रहा है वो देख लेते दोनों, अच्छी बात, अच्छा डाउट रेज किया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग एंगल्स हैं हमने जो रिप्रेजेंट कर रखे हैं, एक एंगल यहाँ पे हमने थीटा कह रखा है जो एक्स से पूरा ये एंगल है, और एक एंगल हमने कुछ ऐसा हॉरिजॉन्टल से आर्बिट्ररी अपने मन से बना दिया है, इसको कह दिया है थीटा वन। अब थीटा वन को ऑब्जर्व करते हैं, थीटा वन के साथ टाइम के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है कुछ अगले इंस्टेंट बाद थोड़े देर बाद यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे, आप कहेंगे ये हमारा नया थीटा वन है, ये पुराने थीटा वन से छोटा होगा, पुराना थीटा वन जो होगा आपका 60 डिग्री रहा होगा, ये कुछ 30 डिग्री टाइप का दिख रहा है, तो बिल्कुल सही बात है थीटा वन तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जो थीटा कहते हैं यहाँ पे जो आर और थीटा रिपोर्ट करते हैं वो ये वाला एंगल रिपोर्ट करते हैं पूरा, तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थीटा वन डिक्रीज हो रहा है बट साथ साथ थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जो कैप है जो भी चीज़ें यहाँ पे ले रहे हैं वो ये वाले थीटा की बात हो रही है और ये वाले जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, तो अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, वो डिक्रीज़ हो रहा है तो चीज़ें नेगेटिव होंगी, ठीक है। आपने इस थीटा के टर्म्स में चीज़ें बात की बट वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खाली कंपोनेंट के टाइम में काम आया, उसके बाद उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन? हाँ सॉरी, वी साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ये वाला जो पार्ट है थीटा वाला पार्ट ये समझ में नहीं आया, ठीक है, कैसे कैसे आया था वी साइन थीटा वाला पार्ट? तो यहाँ पे थीटा वन है, ये जो कंपोनेंट था वी साइन थीटा वन कंपोनेंट था, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है, जो रेडियल वाला हिसाब है, जो ओरिजिन से डिस्टेंस वाला हिसाब है, वो हमने यहाँ पे उसका हिसाब लगा लिया, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, खाली इस वेलोसिटी को देखने की ज़रूरत है। अब अगर मान लीजिए पार्टिकल इधर मूव कर गया, पहले यहाँ पे था, अगर उसकी वेलोसिटी इधर है तो ऑफकोर्स अगले इंस्टेंट पे आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा बट फिलहाल मान लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो थीटा 150 डिग्री था अगले इंस्टेंट पे क्या होगा, 160 170 थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो भी वेलोसिटी है वी नॉट साइन थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है थीटा को इंक्रीज़ करने के लिए, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव लिख रहे हैं। अगर ये थीटा को डिक्रीज़ कर रहा होता तो हम इसको नेगेटिव लिखते, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अच्छे डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छे अच्छे डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है। थीटा टू वी टू,
अब बताइए इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है, आपका नाम नितेश। ओके, नितेश का आंसर है माइनस वी टू कर देते फिलहाल, ठीक है, कॉस थीटा थीटा टू। अब एक्यूरेट कीजिए काम, अब जो वी टू है थीटा टू है उसको ऐसे रखिए, ठीक है, प्लस वी टू साइन थीटा टू थीटा कैप, ठीक है, एक आंसर ये आया। और कोई आंसर आ रहा है और कोई आंसर? हाँ, ये वाला जिसका आ गया वो छोड़ो, और कोई आंसर आ रहा है क्या? चलो ठीक है, जिनका आंसर ये आ गया वो एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। V3 थीटा थ्री, ये सही आंसर है। ये आंसर अगर आपको आ रहा है तो चीज़ें पकड़ में आने वाली है, आ चुकी है ऑलमोस्ट। ओके, सो इसका आंसर बता रहे होंगे, हाँ, V3 साइन थीटा 3 आर कैप प्लस V3 कॉस थीटा 3 थीटा कैप, ऐसा बोल रहे हैं, दोनों प्लस आएगा ऐसा बोल रहे हैं। साइन कॉस में तो कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका है आप लोगों का, था भी नहीं किसी को, और प्लस माइनस में कन्फ्यूजन आपका ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है। कैसे पता चला? तो दिख रहा है कि एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है। जो ये वाला कंपोनेंट है ये ओरिजिन से डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहा है तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इस थीटा को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा बिल्कुल, ठीक है। तो सारी चीज़ें पकड़ में आ गई, डायरेक्शंस के बारे में आप चीज़ें इमेजिन कर पा रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा ठीक है, ये पार्टिकल जो है अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद कहाँ पे होगा?
यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस तरीके से आता जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। पार्टिकल वही है, स्पीड वही है, ठीक है। क्या चेंज हुआ? ये जो एंगल है वो चेंज हो गया, ठीक है। ये एंगल अब और चेंज कर देते हैं, इसको कह देते हैं थीटा 4। अब आप बता सकते हैं V4 साइन थीटा 4 आर कैप प्लस कॉस थीटा 4 थीटा कैप, ठीक है। ये नया वेलोसिटी, ठीक है। सो V4 कॉस थीटा 4, अच्छा V4 नहीं V2 है क्योंकि वेलोसिटी सेम है, ओके। वही पार्टिकल है जो यहाँ पहुँच गया है, तो V4 की जगह V2 कर दिए। ये आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। तो कैसे वेलोसिटी लिखना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसमें कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है। साइन कन्वेंशन जो है वो आपको समझ में आ गया है, ओके। सो अब ये जो दो केस है, केस ये एक ही पार्टिकल के लिए बात थी। शुरू में ये यहाँ पे था, बाद में ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। शुरू में इसकी वेलोसिटी इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, ठीक है। ऐसा कुछ बात हमने किया। अब थीटा 4 थीटा 2 दो अलग अलग एंगल्स हैं, बहुत अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसको स्पेसिफाई नहीं किया है, बट देख के हमको समझ में आ रहा है थीटा 4 और थीटा 2 90 से ज़्यादा है कि कम है। 90 से कम है दोनों एंगल्स, ठीक है। 90 से कम में कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स जो है पॉजिटिव है, सामने माइनस है जो उसको माइनस करेगा, ऐसा कुछ लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों रिजल्ट्स को देखते हैं कि शुरू में यही पार्टिकल जो कि एक डायरेक्शन में चला जा रहा है, शुरू में ये ओरिजिन के पास आ रहा था, पॉजिटिव है। बाद में शुरू में ये ओरिजिन के पास आ रहा था, नेगेटिव है। तो बाद में ये ओरिजिन से दूर जा रहा है, वही पार्टिकल है। शुरू में इसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी, विथ टाइम इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव साइड में हो गई पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। ऐसा होता है, ऐसा कोई रियल केस में होता है? तो आप ओरिजिन मतलब रोड साइड पे खड़े हुए हैं, ठीक है। सामने से दूर से कोई बस आई, किसी स्पीड से आ रही थी, दूर से कोई बस आई, आप उसको देख रहे हैं, तो आपका सर कैसे घूमता है? तो आप ऐसे देख रहे हैं, सर ऐसे घूम के इधर चले जाता है, ठीक है। वो क्या है यहाँ पे? वो एंगल थीटा है, ठीक है। आपके सर किस डायरेक्शन में आप देख रहे हो, और डिस्टेंस, बस की डिस्टेंस शुरू में आपको बहुत दूर दिखाई देता है, ठीक है। बहुत दूर से बस आ रहा है, आपके काफ़ी नज़दीक आ जाता है, आपके सामने, जब स्ट्रेट आपके जस्ट सामने होता है तो आपके नियरेस्ट होता है, फिर सीधे सीधे आपसे दूर चला जाता है। तो वैसा कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर सिस्टम को एनालाइज करने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़फुल नहीं है, ठीक है। इसको आप कार्टेशियन सिस्टम में यूज़ करेंगे तो आपके लिए यूज़फुल होगा। कोई सर्कुलर मोशन टाइप की चीज़ है, ठीक है। आप बीच में खड़े हुए और गोल गोल चारों ओर, मतलब कैसा रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या होता है इसका? झूला वगैरह आप लोग देख रखा है, ठीक है। एक होता है मैरी गो राउंड नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, जायंट व्हील बोलते हैं, जायंट होता है तब, ठीक है। तो वर्टिकल व्हील है, ठीक है।
यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, किसी का शौक हुआ यहाँ पे भी बैठ गया, ठीक है, सेंटर में कौन बैठेगा, सेंटर पे, ठीक है। आपका क्या नाम है? हर्षिता, ठीक है, हर्षिता को हमने सेंटर पे बैठा दिया। फिर नितेश बैठा है यहाँ पे, ठीक है, और आपका नाम अंकित यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है धीरेंद्र, और यहाँ पे बैठी हुई है पूजा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हर्षिता को क्या दिखाई देगा अगर ये मेरी गो राउंड घूम रहा है इस डायरेक्शन में? तो हर्षिता को, चलो ठीक है, ये घूम रहा है किसी स्पीड से, उसको दिखाई देगा कि नितेश जो है इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है। अगर उसको वेलोसिटी वेक्टर रिपोर्ट करना है हर्षिता को नितेश का, तो वो क्या रिपोर्ट करेगी? तो किसी स्पीड, मान लीजिए 5 मीटर्स पर सेकंड से वो भाग रहा है, स्पीड बता दी हमने, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर हर्षिता के हिसाब से अंकित की क्या होगी, नितेश की क्या लिखेंगे? 5 मैंने बता दिया, 5 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप वेलोसिटी वेक्टर क्या बताएंगे उसका, आर कैप में कितना होगा उसका स्पीड, मतलब नितेश हर्षिता सेंटर पे बैठी हुई है, उसको क्या दिखाई दे रहा है? नितेश ऐसे घूम रहा है उसके चारों ओर, ठीक है, और दो चार और लोग हैं, ठीक है। सो उसको नितेश किस स्पीड से उससे दूर जाता दिखाई देगा? सॉरी, मतलब 5 एक गिवन है वेलोसिटी, आप स्पीड गिवन है, तो क्या 5 की स्पीड से नितेश आपसे दूर जा रहा है? डिस्टेंस उसकी बढ़ रही है क्या आपसे? डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 0 आर कैप ये उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है, और थीटा कैप में क्या बोलेंगे? ठीक है, अब वो आपके चारों ओर घूम रहा है, ठीक है, तो थीटा कैप में आप प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे? 5 प्लस, क्योंकि इस तरीके से घूम रहा है आपके चारों ओर, थीटा जो है, जो हमने रेफरेंस लिया उसके हिसाब से थीटा बढ़ते जा रहा है विद टाइम, ठीक है। यहाँ पे होगा प्लस 5 थीटा कैप, जब वो घूम के यहाँ पे आ जाएगा तब आप क्या रिपोर्ट करेंगे वेलोसिटी उसका? सेम वेलोसिटी रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो सेम रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा तो सेम रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसे जो सिस्टम्स होंगे उसमें हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एनालिसिस काम आने वाला है, जिसमें सर्कुलर मोशन टाइप का होता है, कोई इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, इस तरह के एनालिसिस आप लोग हायर फिजिक्स में करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स चीज़ें काम आ सकती है। यहाँ पे इन जनरल कार्टेशियन सिस्टम में हमारा काम हो जाता है क्लासिकली, ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, कितना टाइम बचा अभी, हो गया टाइम, हो गया, अच्छा, हाँ सॉरी, 0 वाला डाउट है आपका, ठीक है। सो हर्षिता यहाँ पे बैठी है, बाकी लोग रिम्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, सबकी स्पीड आप कहेंगे ये 5 तो इसका भी 5 होगा, इधर इसका भी इधर 5 होगा, इसका भी इधर 5 होगा, ठीक है। सो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं इमेजिनरी यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगा आर। अब ये डिस्टेंस मान लो शुरू में था 10 मीटर्स का, थोड़ी देर बाद हर्षिता ऑब्जर्व करेगी तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। हर्षिता से इसका डिस्टेंस क्या है अब? सेम है 10 मीटर्स, तो वो हर्षिता से ना दूर जा रहा है या ना पास आ रहा है, ठीक है, इसीलिए उसकी जो स्पीड है रेडियल डायरेक्शन में, डिस्टेंस में, वो कितनी हो गई? वो 0 हो गई। डिस्टेंस सेम है पूरे प्रोसेस में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में स्पीड क्या है? कोई स्पीड नहीं है, 0 स्पीड है, वही हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और उसके 90 डिग्री यानी कि थीटा डायरेक्शन में स्पीड क्या है? प्लस 5। अगर व्हील इस तरीके से घूम रहा होता तो माइनस 5 लिखते हम, ठीक, ओके, कल, हाँ 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 डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हर्षिता, बिल्कुल। वेलोसिटी को 0, वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी ये है पूरा, ठीक है, आर कैप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी जो का कंपोनेंट जो है वो 0 है,
किसी और कंपोनेंट पे नॉन जीरो है। ठीक, और कोई डाउट्स होगा पूछ लेंगे। ठीक है, मज़ा आया आज। चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कल सेम टाइम।